हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की तरफ से 90 वैकेंसीज निकाली गई हैं, 90 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं और वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की यहाँ पर 23 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें इन 23 वैकेंसीज में से एससी कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 10 वैकेंसीज हैं। अकाउंटेंट की यहाँ पर टोटल 23 वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, एमकॉम होनी चाहिए एडवांस अकाउंटिंग में एंड ऑडिटिंग में आपके पास एज ए स्पेशल सब्जेक्ट, और 5 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है बीकॉम होनी चाहिए 7 ईयर का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने ACA, SAS, CA, ACWA या CAD कर रखी है तब आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे आपने एमकॉम या बीकॉम जो है वो की होनी चाहिए, साथ में आपके पास एमकॉम के साथ 5 ईयर का और बीकॉम के साथ 7 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 25 वैकेंसीज हैं, 25 वैकेंसी जो है वो जूनियर असिस्टेंट की हैं, जिसमें से 4 वैकेंसी जो है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए हैं, 2 वैकेंसी एसटी ओबीसी के लिए, 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी में 11 वैकेंसी जो है वो रखी गई हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर जो है वो आपको आना चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 45 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी आपको जो है इस के लिए सिलेक्शन मिलेगा आपको, जब आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड जो है। और ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में, कंप्यूटर जो है MS वर्ड और एक्सेल जो है वो आपको आने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर इंस्पेक्टर की। जूनियर इंस्पेक्टर की यहाँ पर 42 वैकेंसीज हैं, 42 वैकेंसी जो है वो 42 वैकेंसी जो है वो जूनियर इंस्पेक्टर की हैं, जिसमें से 7 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए, 4 वैकेंसी एसटी, 10 वैकेंसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है। इसके साथ ही अनरिजर्व कैटेगरी में 17 वैकेंसी जो है, 17 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है जूनियर इंस्पेक्टर के लिए, 12th पास होनी चाहिए, 12वीं पास जो है वो आप होने चाहिए, 12th आपने जो है वो की होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए परचेज सेल ऑफ रे रॉ जूट, इट्स ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, बेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन का आपके पास जो है ये एक्सपीरियंस होना चाहिए और 12वीं आपने जो है वो पास की होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो फेस रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। जैसे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में, तो 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से 33, एससी एसटी के लिए 35, पीडब्ल्यूडी के लिए 40, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी हैं तो 45, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 43 और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। जो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी वो है आपकी, दो मिनट हम चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी 250 रुपीज़। अगर आप जनरल कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, तो 250 रुपीज़ जो है वो आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इंटरनल कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है, 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करने के लिए आपने जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jootcorp.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो आप ऑनलाइन मोड से जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसे हम चेक कर लेंगे अभी। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है आपने ऑनलाइन मोड से, लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 30 सितंबर, 30 सितंबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 10 सितंबर से ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है, 30 सितंबर 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे और जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा किसी तरह की अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।